हेलो भाईज आज पढ़ते स्टैंडर्ड सिक्स जी बी एस सी की हिंदी की सेमेस्टर टू की लेसन नंबर वन इतनी शक्ति हमें देने दाता अभिलाषा यहाँ पे भगवान को प्रार्थना की जा रही है कि हमें ऐसी कोई परिस्थिति में मत डाल देना कि हमसे कोई भूल ना हो अगर डाल भी दे तो हम उसे अच्छे से उसमें से कुछ सीखे हमसे कोई भूल ना हो बस अच्छे अच्छे काम करें और हमारे मन में एक दूसरे के प्रति कभी भी बैर भाव न आए और हमारी जिंदगी एक अच्छे से खिलखिलाते हुए गार्डन की तरह बन जाए इतनी शक्ति हमें देना दाता मन का विश्वास कमज़ोर होना हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना पे ऐसा बोल रहे हैं भगवान को प्रार्थना करते हुए बोलते हैं कि हमारा जो विश्वास है वो कभी कमज़ोर ना हो बस तू ये ध्यान रखना हम अच्छे रस्ते पर चले हैं बस ये ध्यान रखना कि हमसे भूल के भी कोई भी भूल ना हो जाए दूर अज्ञान के हो अंधेरे तू हमें ज्ञान की रोशनी दे हर बुराई से बचते रहे हम जितनी भी दे भली जिंदगी दे बैर होना किसी का किसी से भावना मन में बदले की होना यहाँ पे भगवान को प्रार्थना करते हुए बोल रहे हैं कि हमारे जो अज्ञान का जो समझ है वो दूर कर दे हमें हमेशा रोशनी मिलती जाए हम ज्ञान प्राप्त करें नॉलेजेबल होवे सारी बुराई से हम बचते रहे और जितनी भी तेरे को जिंदगी देनी है दस साल पंद्रह साल पचास साल साठ साल लेकिन अच्छी देना किसी से मन में ऐसा ना हो कि किसी से किसी के बारे में बैर जागे किसी से नफरत हो बस भावना मन में कभी भी बदले की ना आए वो तू हमें हमेशा शक्ति देना हमारा आश्रयदार बनना हमें शरण देना हम ना सोचें हमें क्या मिला है हम ये सोचे किया क्या है अर्पण फूल खुशियों के बाटे सभी को सबका जीवन भी बन जाए मधुबन अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि हम ऐसे नहीं सोचे कि हमें क्या मिला अर्थ पे आके हम ये सोचें कि हमने दिया क्या है अर्थ को हम खुशी अगर हमारे जिंदगी में खुश है तो हमको सबको बांट के चलनी चाहिए ताकि लोगों का जीवन भी हमारे जीवन की तरह एक गार्डन एक खूबसूरत गार्डन की तरह बन जाए जो दुख है उसका जल आंसुओं के फॉर्म में बाहर निकाल दो और मन का कोना कभी भी किसी अजीब से ख्यालों से पलना नहीं चाहिए बस आपका मन पवित्र होना चाहिए जो भी दुख है वो आपको बाहर बहा देना चाहिए हम अंधेरे में है रोशनी दे खोना दे खुद को ही दुश्मनी में हम सजा पाए अपने किए की, की मौत भी भी हो तो सहले खुशी से कल जो गुजरा है फिर से ना गुजरे आने वाला वो कल ऐसा हो ना वो ऐसा बोल रहे कि अगर हम लोग अंधेरे में खड़े हैं तो बस तू बस खाली ऐसी रोशनी दे देना कि हम लोग वहाँ से बाहर आ जाए अपने आप को कहीं ना खो दे कि दुश्मनी रखते रखते किसी से बैर बदला भावना ये सब भाव अपने में आए नहीं और अगर आए भी तो दुश्मनी में अपने आप को ना खोले अपने आप के वर्चस्व को ना खोले बस वो उतनी महज रखना हम पर अगर हम कोई गलती कर भी रहे तो सजा हम लोग को मिलनी चाहिए फिर वो मौत भी क्यों ना हो हम लोग हंस कर खुशी से उसको झेल लेंगे जो कल जो गया है खराब वक्त वो अभी आगे ना आए बस आने वाला कल जो होगा ना वो इतना हसीन होना चाहिए बस सौम तो पर कृपा दृष्टि रखना हर तरफ जुल्म है बेबसी है सहमा सहमा सा हर आदमी है पाप का बोझ बढ़ता ही जाए जाने कैसे ये धरती थमी है बोझ ममता से तू ये उठा ले तेरी रचना का ही अंत होना हर जगह पे देखने जाए तो अर्थ के ऊपर कहीं जुल्म है कई बेबसी है कई पे रो रहे इंसान पुअर रो रहे हैं कुछ ना कुछ चल रहा है टेररिज्म चल रहा है तो हर आदमी डरा डरा सा है वो सोच रहे हैं यहाँ पे नरेटर हमारे कवि कि किस हिसाब से ये धरती ऐसे ठमी है इतना बड़ा इतना पाप हो जा रहा है धरती पर इतना पाप हो रहा है लेकिन फिर भी ये धरती किस हिसाब से चल रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है बस तू तो कैसे भी करके ये धरती को संभाल लेना नहीं तो तेरी रचना का अंत हो जाएगा तो ऐसा करना कि तेरी जो ये रचना है अर्थ है ये जो खूबसूरत सी अर्थ तूने तो बनाई है उसका कभी अंत ना हो थैंक यू सो मच